आज शुरू थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इसी इदारे में डिवीजनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर में डेटेक में सर दिलावर खान साहब मौजूद हैं। सर आपको भी आमदे कहते हैं। दिलावर खान साहब प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन दर्शानों छनों। आपकी कई खिदमत हैं एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में, करिकुलम के हवाले से, रिसर्च के हवाले से एंड टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। सर आपको हम खुशामदेव कहते हैं। आज हम ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्कूल एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्स का किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे होते हैं। हम उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टीचिंग स्टाफ है, ये ह्यूमन रिसोर्स का एक हिस्सा है। इसी तरह हम नॉन टीचिंग स्टाफ में देखें तो उसमें कई किस्म के अफराद काम कर रहे हैं जिनका ताल्लुक ICT से स्टाफ से होता है। एक ICT के लोग होते हैं, दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कुछ लोग टेक्निकल होते हैं और कुछ नॉन टेक्निकल। ये स्कूल के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के अफराद हैं जिसको हम स्कूल के ह्यूमन रिसोर्स कहे जाते हैं। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पाए जाते हैं और ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम उन तमाम चीज़ों को जितने भी टाइप्स के ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनको बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज से ऑर्गेनाइज करें। तो सर इसमें देखा ये जाए तो लाखों की तादाद में एम्प्लाइज एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सेल में काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से उनकी कोई तंजीमकारी के लिए ह्यूमन रिसोर्स का क्या किरदार होना चाहिए? ज़रा इस पर रोशनी डालें। किसी भी तंजीम या स्कूल या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कलीदी किरदार अदा करता है। अगर वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कलीदी किरदार होता है वो ह्यूमन रिसोर्स का ही होता है। जितने इफेक्टिव होंगे, जितने स्किल्स होंगे, जितने नॉलेज लेवल होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बेहतर किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, HR यही किरदार अदा करता है। इस किरदार के अंदर सबसे पहले जो हम देखते हैं कि वो जॉब एनालिसिस करता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स उसको चाहिए होती है उनकी जॉब एनालिसिस करता है। उस जॉब एनालिसिस में दो टाइप्स की हमें चीज़ें नज़र आती हैं। एक होती है जॉब डिस्क्रिप्शंस कि जो शख्स जिस पोस्ट पर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, वो ज़रूरी होता है। इसी तरह जो शख्स प्ले रोल करेगा उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी अपनी पर्सनल खसूसियात क्या है, यूं समझिए जॉब की खसूसियात क्या है और दूसरी उसकी शख्सी खसूसियात क्या है। तो ये आइडेंटिफाई होना किसी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हमारा अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि किसने क्या करना है, क्या करना है, कब करना है, किसने करना है और क्यों करना है। ये सवालात अगर हम पूछते हैं तो हमें डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके सवालात के जवाब नहीं मिलते। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके अंदर, आपके इदारे के अंदर, स्कूल के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर मजबूत है तो उनका विजन, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनका किरदार, उनका स्कोप बिल्कुल वाजिब होता है। तो सर इस हवाले से आपके ख्याल में ये जो मुलाजमीन है इनकी कारकर्दगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है? अभी फिर सवाल पैदा होता है कि कारकर्दगी को जांचने का पैरामीटर क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या पैरामीटर्स होंगे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पर जाएं कि हम उसकी क्या पहले इसमें की कारकर्दगी को जांचें क्या किसी इदारे के अंदर
किसी शख्स की जिसके हम कारकर्दगी को जांचने जा रहे हैं, क्या उस वहाँ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं? अगर वो मौजूद हैं तो फिर तो हम कोई टूल बनाकर उसी के तनाजुर में, जॉब डिस्क्रिप्शन के तनाजुर में हम उसकी कारकर्दगी का जायजा ले सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपके पास कोई पैमाना भी नहीं होगा किस तरह आप उसकी जो है परफॉर्मेंस को प्रेजेंट बनाएं। तो पहली जो बुनियादी चीज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हर पर की तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसकी बुनियादों पर उसका परफॉर्मेंस का प्रेजेंट तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सामीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एजुकेशनल इश्यूज पर